सैयद अमीनुल कादरी मालेगांव, कितने लोग पागल, क्या वो आलिम लोग बुला रहे कि नहीं बुला रहे। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान का आलमिया ये है कि कर्रा युकर्रिरो तकरीरन से मुकर्रिर इसमें फाइल है, न अवाम देख रही है कि मुकर्रिर आलिम है या नहीं, और ना उलमा देख रहे हैं कि मुकर्रिर आलिम है। बुलाने से पहले बिल्कुल तमीज नहीं की जाती है कि मैं जिसको बुला रहा हूं तो वो आलिम है या गैर आलिम। आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, गैर आलिम को तकरीर करना ही जायज नहीं, क्योंकि इस्लाम को कब कहां डुबो देगा पता ही नहीं चलेगा। सैयद का बस सही अकीदा होना शर्त है, सही अकीदा हो साहिब बेईमान हो, बाकी आप बहस ना करें कि नमाजें कितनी पढ़ता है, आलम फाजल कितना है। बुजुर्ग फरमाते हैं, कुरान का सफा अगर कभी कीचड़ में भी गर जाए ना, उस पे पैर नहीं रखा जाता, उसे फिर भी धो के चूमा ही जाता है, क्योंकि वो सफा कुरान का है। फरमाते हैं, तू सैयद पे बहस ना करके नेक कितना है और परहेजगार कितना है, करता क्या है, तू अपने अमाल पे गौर कर और ये समझ, ये कोई आम नहीं, ये खून रसूल है।